गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो सुबह के बज चुके हैं 7। अब जा रही हूँ मैं नहाने और बाबा को चढ़ाऊंगी जल, और फिर वही रोज का रूटीन, नाश्ता बनाएंगे, बच्चों का लंच बनाएंगे। तो बच्चे अनमोल को भी उठा दिए। अनमोल उठ जा, अनमोल देखिए दो बार उठा चुके और दोनों बार सो चुका है। के गए, नाश्ता वास्ता कर लिया है हमने। तो अनमोल के पापा जा रहे हैं ऑफिस, और अनुराग को खांसी हो रही है इसलिए हमने स्कूल नहीं भेजा। इसे बहुत खांसी हो रही है, रात भी आइसक्रीम खाने के लिए जिद कर रहा था। तो गर्मी पड़ती है, गर्मी पड़ रही तो ठंडी चीजें खाओ खाओ, मगर जब गला ठीक हो तब। तो कुछ कहना है? बस आप सब अपना ध्यान रखिए, पूजा पाठ करते रहिए, स्वस्थ रहिए। और एक ही डायलॉग आज लोग नहीं, नहीं थोड़ा डायलॉग चेंज है आज। हाँ बोलिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। हाँ हम जा रहे हैं ऑफिस, बाय। तो ऑफिस जा रहे हैं, तो बाय 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 बाय। ये देखो क्या कर रही है किट्टू। ये देखो किट्टू, ये किट्टू हमारा बुशेटो। A few moments later, ये देखिए गाइस, लिपस्टिक लगवाने जा रहे हैं हम, इंजेक्शन। अभी लिपस्टिक लगी, कितने महीने की लगेगी पूजा? साढ़े तीन महीने के इसकी वैक्सीन लगेगी। तो चलते हैं इसके वैक्सीन लगवाते हैं। सेंटर में आए हैं स्वास्थ्य केंद्र में, तो यहाँ पर एक छोटा सा प्ले हो रहा है लोगों को जागरूक करने के लिए। A few moments later, गाइस मिस्टी को लेकर आ गए हैं। तो आज सेंटर में बहुत भीड़ हो रही थी क्योंकि छोटे छोटे प्ले हो रहे थे वहाँ पर, लेडीज़ों को, लोगों को, लेडीज और जेंट्स को जागरूक करने के लिए। मुझे 2 से 2:30 बजेगा क्योंकि कल भी वो लेट आया था, 2:15 हो गए थे। मैं देखती रही, मैंने शायद आवाज़ है, मगर 2:30 बज गया था। फिर जब मैं स्कूल गई तो फिर स्कूल में ही था क्योंकि उसने एनसीसी ज्वाइन करी है, तो वहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह के लिए उसे रोका गया था। बहुत बच्चे थे जिन्होंने एनसीसी ज्वाइन करी है, तो शायद वो भी आज लेट आए। तो उसे हमने फ़ोन दे दिया, स्विच ऑफ करके रख दिया उसने, कि जब भी लेट हो ऑन करो फ़ोन और हमें मैसेज करो कि मम्मी हम लेट आ रहे हैं। तो मुझे टेंशन नहीं हुई क्योंकि मैं घबरा जाती हूँ। तो वो देखे कब आता है, 2:30 बजे आता है या 3 बजे आता है। तो फिर मैं खाली रहूँगी तो मैं नीचे जाऊँगी। पूजा भी बैठी है, वंशा भी बैठी है, तो थोड़ा टाइम पास करना, टाइम पास नहीं होता है तो फिर थोड़ा गप्पे शप्पे मारेंगे हम सब लोग। मम्मी भी बैठ जाती है हमारे साथ में, वंशा मैं, हम सब बैठ जाते हैं। तो रान जिठानी तो टाइम पास करते हैं, तो ठीक है सफाई करते हैं, तो चलते हैं फिर से चलेंगे। गर्मी बहुत लग रही, काम वामों निपटाते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे बाद में। गाइस अभी 2 बज रहे हैं और देखिए मौसम, देखिए इतना प्यारा हो गया, बारिश आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा मौसम हो गया है। अभी देखिए बारिश आ रही है, पर बच्चों के स्कूल के आने का टाइम हो गया तो बारिश हो गई थी, इस चीज़ की और दिक्कत होगी क्योंकि अनमोल भी गया हुआ, बारिश में भीगता हुआ आएगा। चलो देखते हैं कैसा आता है फिर वो। तो देखिए गाइस बारिश आ रही है, तो हम सोच रहे हैं सब नहा लें। तो पूजा भी आ गई है, बंदना भी और वंशा भी आ रही है, तो हम सब नहाएंगे। Thank you.
बंदना की छोटी बहन है, ये आई हुई है और इसकी जनवरी में शादी है। नहीं बताना पड़ता है गाइस को, इसकी शादी है तो हम इसकी शादी में जाएंगे, तो आपको भी लेके जाएंगे इसकी शादी में। जनवरी में शादी है इसकी। तो मैं तो चले भी आऊंगी लेके। बताना पड़ता है बहन की तेरी शादी में। इसका नाम शिवानी है, कल इसकी वजह से बंदना नहीं गई मंदिर। तो देखिए बारिश हो गई है बंद और अब हम जा रहे हैं नीचे। वैसे आ रही है बरसात, ज्यादा तेज नहीं आ रही। तो बंसा कह रही है कि पकौड़े बनाऊंगी मैं, सब नीचे चलो चाय बनाती हूँ पकौड़े बनाऊंगी। तो अब जा रहे हैं हम सब नीचे बंसा के कमरे में। A few moments later. तो देखिए गाइस मैं आ चुकी हूँ नीचे, सब बच्चे भी आ गए हैं और नहा लिए हम दोबारा साफ पानी से, ताकि एलर्जी खुजली उजली ना हो। तो हम नहा लिए, तो अब जा रहे हैं हम नीचे बंसा के पास। देखते हैं, सभी कह रहे थे हम नीचे जाएंगे तो हम भी जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको मिलते हैं नीचे। तो हेलो गाइस, देखिए 6:30 बज चुके हैं, मैं 6 बजे से तैयारी कर रही हूँ। तो आज अनमोल के पापा की फरमाइश है कि ब्रेड पकौड़े बनाने हैं, बारिश हो गई है तो मौसम हो गया है ब्रेड पकौड़ों का। तो देखिए बच्चों ने होम थिएटर चला रखा है, बटन भी बनने का। तो आज मैं बना रही हूँ ब्रेड पकौड़े। उन्होंने कहा मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, आज मैं ब्रेड पकौड़े खाऊंगा, आज खाना नहीं बनाना। तो मैं आलू ले आई हूँ और आज बनाऊंगी मैं ब्रेड पकौड़े। तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। आलू उबल रहे हैं, बेसन घोल के रख दिया है, ब्रेड निकाल के रख दी है। तो अनमोल के पापा 7 बजे आएंगे, अभी है, अभी तो टाइम है उनका आने का, कम से कम आधा पौना घंटा है अभी आने का। तो तब तक मेरे ब्रेड पकौड़े बन जाएंगे और आज यही खाएंगे। शाम के टाइम बना रहे थे यही खाएंगे। तो आज बारिश में भीग कर बड़ा मज़ा आया, क्योंकि आज हम चारों थी, बहुत इंजॉय करा हमने बारिश में। अच्छा लगता है जब सब होते हैं, तो जब भी अच्छा लगता है अकेले अकेले क्या अच्छा लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जब फैमिली में रहते हैं तो फिर सभी के साथ भी अच्छा लगता है, कहीं जाना, सबके साथ शेयर करके खाना पीना खाना, और कोई इंजॉय करते तो सबके साथ मिलके इंजॉय करें।
तो सभी के साथ अच्छा लगता है। फैमिली का मतलब ही यही होता है कि सब मिलजुल के रहें। तो चलिए तो बनाते हैं ब्रेड पकौड़े, उसके तो बाद में मिलेंगे आपको ब्रेड पकौड़े बनाने के बाद। देख सकते हो आप गाइस, हम अपनी ड्रेस, मेरी ड्रेस लेने आए थे यूनिफॉर्म, वो आज मिल चुकी है और अभी मम्मी को तो बताना चाहती है। तो देखिए गाइस, हम ड्रेस लेने आए थे, तो ड्रेस तो हमने ले ली थी मगर हमें थोड़े से पैसे कम पड़ गए, तो हमने पेटीएम करा, तो वो पैसे उनके फ़ोन में से तो कट गए हैं, मगर जो अंकल जी के हमने करा था पेटीएम, उनके यहाँ नहीं पहुँचे अकाउंट में, तो इससे हमें बहुत दिक्कत हो रही है। सिग्नल भी नहीं आ रहे हैं वाईफाई के, और बहुत परेशानी हो रही है हमें। 10-15 मिनट हो गए खड़े हुए, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कैश पेमेंट करें, क्योंकि जैसे हमें दिक्कत हो रही है तो आप लोगों को भी हो सकती है। और सबसे ज़्यादा चार्ज सिग्नल नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कैश देने से सही रहता है और टाइम भी वेस्ट नहीं होता, रहेगा हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। और जहाँ पर सिग्नल आता है आपकी मर्जी करो। तो अब बैंक के बैंक में नहीं पहुँच रहे हैं वो पैसे, और अमोल के पापा के बैंक में वो पैसे कट चुके हैं। एक छोटी सी रकम के लिए भी हमें देखो खड़ा होना पड़ रहा है, तो क्या करें, अब हो गया तो हो ही गया, अब हमारे साथ में इसी। प्लीज़ आपके लिए मैसेज है, आप ऐसा ना करें, कैश पेमेंट। इसमें ऐसी कोई बात नहीं, 110 रुपये है। मैं नहीं अंकल, वो देखो आप तो छोटी सी रकम है, तो आगे को किसी कोई कर दे, बड़े हो जाता है, अगले दिन आ जाते हैं कई बार। अच्छा, ये बहुत बार है, अगले दिन आ जाते हैं अंकल। आपके साथ नहीं हुआ, 2-3 के साथ ऐसा हुआ है, बैंक का सर्वर भी नहीं चल रहा, नहीं चल रहा इस टाइम, नेक्स्ट डे आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कल कर लेंगे ना। ठीक है, थैंक यू अंकल जी, चलो। A few moments later, लेकर आए हम हॉर्स, ये एक बच्चे के लिए लाए हम, ये इनके दोस्त हैं एक ऑफिस में, उनकी बेटी के लिए, कि उनके यहाँ पर ये मार्केट में नहीं मिल रहा है, तो हम अपने यहाँ से लेकर आए, तो अब ये ऑफिस लेके जाएंगे उनको देने के लिए, कि बेटी के लिए। ये देखिए, ये देखिए बहुत सुंदर लग रहा है, ये देखिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ओ गाइस, तो डैडी का नया फोन था, ये उसका व्लॉग। आज मैंने बोला लक्ष्मी को कि थोड़ा मौसम बारिश का है, तो बच्चों के लिए कुछ ब्रेड पकौड़े वगैरह बनाए जाएं, तो वो लगी हुई है किचन में, आपको दिखाता हूँ मैं। हेलो हेलो गाइस, देखिए दोस्तों ये ब्रेड पकोड़े और एक चाय बनाई जा रही है। ये इन्हीं की चॉइस पे कि इनकी फरमाइश थी आज कि आज ब्रेड पकोड़े बनने चाहिए, क्योंकि आज बारिश का मौसम हुआ है, तो आज ब्रेड पकोड़े चाहिए इन्हें। देखिए प्लीज ध्यान से बनाना, ठीक है? हाँ ध्यान से ही बनाएंगे, केयरफुल, बी केयरफुल। ठीक है दोस्तों, इसको बनाने देते हैं। ये देखिए, इट इज माय ब्रेड, इससे कोई आज आलू वाले कोई, 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 तो आलू वाले ब्रेड पकौड़े। हाँ ठीक, मम्मी ने ब्रेड पकोड़े बना दिए, मैं आपको दिखाता हूँ। सत्य गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़े आलू में भरे हुए, और अभी चाय और चटनी चीले। तो हेलो गाइस, तो हम सुबह के 5 बज चुके हैं, वीडियो एडिट कर रहे थे, तो हमने देखा वीडियो का एंड तो हुआ ही नहीं, तो हम अब 5 बजे वीडियो का एंड कर रहे हैं। तो हम इतना ही टाइम उठते हैं डेली, तो आज हम वीडियो लेने गए थे, उसके लिए यूनिफॉर्म लेने गए थे, तो हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो अंकल जी की दुकान पे सर्वर नहीं थे उसके वाईफाई के, तो उनके बैंक का सर्वर भी नहीं चल रहा था, बैंक का सर्वर नहीं चल रहा था, तो हमने ऑनलाइन पेमेंट करी, तो उन्होंने
हमें काफ़ी देर तक, कम से कम ज़्यादा ही देर खड़े रहे थे, 20-25 मिनट से ज़्यादा खड़े रहे थे। हमें बहुत परेशानी हुई क्योंकि हम लेट हो रहे थे घर के लिए तो, और वो अंकल जी इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कि हाँ पहुँच चुके हैं, कि नहीं सर्वर नहीं आ रहा, नहीं पहुँचे मेरे पास, जिसमें कि इनके अकाउंट में से वो पैसे कट चुके थे। तब बहुत देर हो गई तो हमने फिर वो क्या करा, हमने जो कैश था जो हमने दे दिया, तो उन्होंने क्या कहा कि कोई बात नहीं। जब मैंने उनसे बोला ना कि अंकल आप एक मैसेज दीजिए लोगों को कि ऐसे ना हो तो आप कैश पेमेंट दीजिए, तो उन्होंने तुरंत ही एकदम बात टाल दी और यूँ कह दिया कि कोई बात नहीं, ऐसा तो हो जाता है और क्या कहते हैं आ जाएगी अगले दिन। मगर ये बात उन्होंने पहले हमसे नहीं बोली कि कोई बात नहीं, ये पेमेंट हमारे पास आ जाएगी, कल आ जाएगी, ऐसा होता रहता है। पर जब हम मैंने जैसे ही कैमरा ऑन करा ये बात वो पलट गए और तुरंत ही बोलने कोई बात नहीं, कल वल में आ जाएगी। और कैमरा ऑफ में उन्होंने हमसे ये बात नहीं बोली कि कोई बात नहीं आप जाइए, आप अपना नंबर दे दीजिए, अगर नहीं आएगी तो हम आपको कॉल कर देंगे। तो अगर उनके सर्वर में या उनके वाईफाई में दिक्कत है तो उनको स्कैनर हटा देना चाहिए ताकि लोग स्कैनिंग ना करें, स्कैनर से पैसे ना उनको पेमेंट करें। ये तो फिर ये ना कि कस्टमर परेशान होता है, कस्टमर परेशान। स्कैनर आपने सारे रख रखे हैं, आपकी वहाँ पे आपके सर्वर का कोई सुविधा ही नहीं है किसी चीज की, तो परेशान कौन है, वो तो बैठे हैं, वो तो आराम से बैठे हैं और पब्लिक को जाने भी नहीं देते। इसलिए दोस्तों ज्यादातर कैश में पेमेंट करिए, कैश पेमेंट कीजिए, ऑनलाइन पेमेंट में बहुत घपलेबाजी। हाँ बहुत ज्यादा परेशानी होती है। मगर हमने ना आगे जाके एक बच्चे का, उनके दोस्त की बेटी के लिए एक वो लिया, हॉर्स लिया हमने, काफ़ी बड़ा बच्चा जिसे आराम से बैठ के खेल ले, वो लिया हमने 380 रुपये का। और इन्होंने ऑनलाइन पेमेंट ही करी, जैसे वहाँ करी थी ऐसे ही वहाँ करी, पर एक मिनट लगा था पेमेंट हो गई थी, वहाँ पर हमें दिक्कत नहीं हुई। मगर उन अंकल जी ने हमें बहुत परेशान करा था, हम तो बिहेव भी सही नहीं, बिहेव भी सही नहीं था। और जब जहाँ जब कैमरा ऑफ था तब वो बार बार कह रहे अरे नहीं हो रहा कुछ भी ये वो, मतलब हमें तसल्ली नहीं दे रहे कि कोई बात नहीं आपके यहाँ से पेमेंट कट गई है तो अगर नहीं आएगी तो हम आपको कॉल करेंगे। और जब मैंने कैमरा ऑन करा तभी उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और उन्होंने तुरंत बोला कोई बात नहीं ऐसा तो हो जाता है, आ जाएंगे हमारे पास पैसे, उन्होंने ये बोला। दोस्तों कि बाकी आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, प्लीज जरूर कमेंट में बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए। व्यूज ज्यादा होते हैं, सब्सक्राइब कम होते हैं, तो जो भी ज्यादा नहीं हो रहे हैं कोई बात नहीं कि व्यूज बढ़ रहे हैं, हमारे व्यूज भी ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी करें, ये रिक्वेस्ट है। और बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है, एक नई टाइटल के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।